everyone, I hope everyone is fit and fine. So today I wanted to tell you that CDC ने जो तीन कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड के, उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी ऐड किए हैं, छः नए सिम्टम्स ऐड किए हैं. सो आई विल टेल यू. कॉमन हमको पता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कॉफ एंड फीवर. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इससे कमज़ोरी शुरू हो जा रही है शुरू में. इनफैक्ट कई लोगों को हाथ ऊपर उठाने तक भी तकलीफ हो रही है, इतनी वीकनेस हो सकती है इसमें. कुछ लोगों के सिम्टम बहुत ही माइल्ड हैं और 80% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कुछ लोगों को भूख लगना बंद हो जा रही है. सो वो वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं, बट जो 6 नए सिम्टम्स ऐड हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. सो ये 6 सिम्टम्स CDC ने 2 दिन पहले अपनी साइट पर अपडेट किए हैं. मैं आप वीडियो बना नहीं पाई 2 दिन पहले. सो 6 सिम्टम जो है वो है, पहला चिल्स, सेकेंड चिल्स विद शेकिंग, सो आप कांपेंगे भी उसके साथ साथ, ठीक है, ठंड लगने के साथ कम कभी. देन मसल पेन, आपके शरीर में दर्द होगा, शारीरिक दर्द होगा, दैट इज देयर. देन हेडेक, सर में दर्द, इसके अलावा गले में दर्द, इसके अलावा मैंने आप कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल के ऊपर. सो अब CDC ने ये चीज़ वापस इसमें सिम्टम्स में इंक्लूड कर ली है. सो 6 नए सिम्टम्स आपको मैंने बता दिए, चिल्स, चिल्स विद शेकिंग, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, जो कि रिसेंट टाइम में अगर आपको सडनली डेवलप किया है तो. बट इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जो CDC ने अभी भी ऐड नहीं किए हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी. एब्डोमिनल पेन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, ठीक है, डायरिया, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. देन कुछ रिकवरिंग पेशेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि उनको ब्लिस्टर्स तक डेवलप किए थे ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड. सो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है. अभी हमें जितने नए सिम्टम्स पता हैं, ये हम सबको पता होने चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक सिम्टम है तो आपको चेक करवाना है उनको, उनको छुट्टी देनी है और उनको बोलना है कि गेट योर सेल्फ चेक. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.